अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके अंदर मेरे एक व्यूवर का कमेंट आया था कि सर आप जो है हमें सब्सक्राइब बटन एनिमेशन सिखाएं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने लगा हूँ एक सब्सक्राइब बटन की खूबसूरत सी एनिमेशन, जो कि आप लोग अपनी वीडियोज़ के अंदर लगा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपकी वीडियोज़ उसको लगाने के बाद खूबसूरत लगेंगी। तो दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अवैस, आप देख रहे हैं नॉलेज घर। अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से आने वाली न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे आप सब लोगों को। तो शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को। अब दोस्तों इस सब्सक्राइब बटन के एनिमेशन को बनाने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया, जो कि फिल्मोरा 9 के नाम से आता है। आपके पीसी के अंदर आप यूज़ करते हैं उस सॉफ्टवेयर को। अब दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को जो है आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट के, और उसके बाद आप उसको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब आपने इंस्टॉल कर देने के बाद सिंपली वंडरशेफ फिल्मोरा 9 को यहाँ पर ओपन कर लेना है। लेकिन दोस्तों इसकी एक शर्त है कि आपके पास 64-bit पीसी होना चाहिए, आपके पास 32-bit पीसी नहीं होना चाहिए। अगर आप 32-bit पीसी यूज़ करें तो आप फिल्मोरा 7.8.9 एक वर्जन आता है, आप उसको सिंपली getintopc.com की वेबसाइट पर जाकर ऑफलाइन इंस्टॉलर उसका डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने फिल्मोरा 9 यहाँ पे यूज़ करो मैं, अगर आपके पास फिल्मोरा 9 नहीं है तो आप फिल्मोरा 8 भी या फिर फिल्मोरा 7 यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है जो आपको आज बताऊंगा। अब सिंपली सबसे पहले जो आपने हेल्प पे जाना है और यहाँ से आपने देख लेना है इसके एक्टिवेट फिल्मोरा 9 सेशन के अंदर कि आपका फिल्मोरा एक्टिवेट है या नहीं। अगर यहाँ पे इस तरह से ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा, योर लाइसेंस हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, अगर ऐसा ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखा रहा तो आपने यहाँ पे आपको एक आई बटन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली उसको देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आप कैसे जो अपने वंडरशेफ फिल्मोरा को बिल्कुल ही फ्री में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख के इजीली जो है फिल्मोरा 9 को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आपके पास फिल्मोरा का कोई भी वर्जन है तो आप उसको एक्टिवेट ईजिली कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमने जो है कैसे इस तरह का एक सब्सक्राइब बटन एनिमेट करना है। तो सिंपली सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने इंपोर्ट मीडिया फाइल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ से सबसे पहले जो है आपके पास आपके चैनल का एक लोगो होगा, जाहिर सी बात है आपने सिंपली उसको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले से इंपोर्ट करके रखा हुआ है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपका लोगो जो है वो PNG में होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके। ये बहुत ही सिंपल सा एक सब्सक्राइब बटन एनिमेशन है, आपको ये ग्रीन स्क्रीन के अंदर मिल जाएगी। अब दोस्तों इसको मैंने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर डिज़ाइन किया, और इसका बैकग्राउंड को मैंने ग्रीन कलर करके आपको फिल्मोरा के अंदर दे दिया, ताकि जो है आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। अब सिंपली आपने फिल्मोरा पे वापस आ जाना है, आपने सिंपली इसको ये जब आपको मिलेगी तो ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी। इस वीडियो के एंड में आपको यहाँ पर जो है इसका पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप सिंपली इसका पासवर्ड देकर इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं आपने इसको यूज़ कैसे करना है। वापस आ जाते हैं फिल्मोरा 9 के अंदर, यहाँ से आपने इंपोर्ट पर क्लिक करना है और इंपोर्ट मीडिया फाइल्स पर, और यहाँ से जो है आपने अपनी वो वाली वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप इंपोर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने ये वीडियो आ जाएगी। अब आपने सिंपली इसको पकड़ के यहाँ पे रख देना, और आपने यहाँ पे की प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे आपकी वीडियो यहाँ पे जो है आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, आपने अपने लोगों को पकड़ना है, और आपने बिल्कुल इसके ऊपर जाके अपने लोगों को रख देना है। ठीक है, और आपने अपने लोगों का साइज़ जो है बिल्कुल इसके जितना बराबर कर देना है। ठीक है, इन दोनों का आपने बिल्कुल बराबर साइज़ कर देना है। अब आपने अपने लोगों को पकड़ना है, और आपने इसके साइज़ को यहाँ पर सिंपली छोटा कर लेना है। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, आपने इसके साइज़ को बिल्कुल छोटा करना है जितना मैं कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो रही है, कोई भी इसके अंदर जो है आपको मुश्किल काम नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही ईजी तरीका है। इस तरीके से को यूज़ करते हुए आप अपने फिल्मोरा को एक बहुत ही आफ्टर इफेक्ट्स की तरह वीडियो एडिटर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फाइनली हमारा कुछ इस तरह से इंट्रो आ गया। मैं आपको सबसे पहला काम जो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली रेंडर कर रहा हूँ अपनी वीडियो को। ठीक है, यहाँ पे स्मूथ प्लेबैक, अब यहाँ पे फाइनली हो चुका है। मैं सिंपली फुल स्क्रीन पर करता हूँ, अब यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन प्ले करके दिखा देता हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है हमारी सब्सक्राइब एनिमेशन यहाँ पे प्ले हो रही है, और बहुत ही ये सब्सक्राइब प्यारा लग रहा है। ठीक है, आप लोग एक दफ़ा फिर से देख लें, यहाँ पे अभी सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जब ये क्लिक होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब्सक्राइब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एनिमेशन यहाँ पे लग रही है, और बहुत ही प्यारी है। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने जो है इस वीडियो को यहाँ पे सेव कर लेना है, आपने अभी इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव नहीं करना है। ठीक है, आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, और उसके बाद जो है आपके सामने इसके एक्सपोर्टिंग ऑप्शन आ जाएंगे। आपने यहाँ पर देखना है इसका रिजोल्यूशन 1920x1080 होना चाहिए, और आपने यहाँ पर अपनी लोकेशन दे देनी है। सिंपली मैं इसको डेस्कटॉप की लोकेशन दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो है आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है, और आपने इसको 25 FPS से 30 FPS कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने सिंपली ओके पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों बहुत ही छोटी वीडियो थी, तो इसीलिए जो है हमारी वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुकी है। आपने सिंपली क्लोज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको भी क्लोज कर देना है। मैं अपने फिल्मोरा 9 को मिनिमाइज़ कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपली, और यहाँ पे जो है मैं आपको अपनी वीडियो दिखा देता हूँ जो अभी अभी सेव हो गया। ये माई वीडियो के नाम से आपकी वीडियो सेव होगी। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही HD में और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है हमारी वीडियो यहाँ पर बन चुकी है, तो बहुत ही प्यारी लग रही है ये वीडियो। अब आपने इसको अपनी वीडियोज़ में कैसे यूज़ करना है, सिंपली जो है आपने फिल्मोरा 9 पर वापस आ जाना है। सिंपली यहाँ पर अब जैसे ही मैंने इसको ओपन कर लिया था, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। सिंपली आपने इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे डिलीट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ से भी इन दोनों चीज़ों को सिंपली डिलीट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है इंपोर्ट मीडिया फाइल्स पे, और यहाँ से जो है आपने कोई भी एक वीडियो यहाँ से उठा लेने, जो भी आपके चैनल की वीडियो होगी। मैं यहाँ पे एक स्टॉक फुटेज यूज़ करूँगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक वीडियो को उठा लेता हूँ। बहुत ही छोटी सी वीडियो है और यहाँ पे स्टॉक फुटेज है, मैं इसको सिंपली यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ। सिंपली मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे की प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोबारा से इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट मीडिया फाइल्स पे क्लिक करेंगे, और अपनी उस ग्रीन स्क्रीन एनिमेशन को यहाँ से उठा लेंगे। सिंपली ग्रीन स्क्रीन माई वीडियो के नाम से मैंने इसको सेव किया था। आपने सिंपली इसको इसके ऊपर ला के रख देना है। बिल्कुल ही इसके बराबर का साइज़ है, कोई बड़ा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है, और बहुत ही प्यारा लगेगा ये। अब आपने सबसे पहला क्या काम करना है, आपने इस वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करना है, और यहाँ से आपने ग्रीन स्क्रीन का आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपने इसकी टॉलरेंस को 100 कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आपने सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपने वीडियो के बिल्कुल शुरू में आ जाना है, और यहाँ पर आपने इसको पकड़ना है, ठीक है, और आपने इसको यहाँ पे नीचे लेके आ जाना, ठीक है, ताकि आपकी वीडियोस के अंदर जब ये प्ले हो तो ये खूबसूरत लगे, ठीक है। आप इसको अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं, बट अगर आप मेरी सजेशन लें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से जो है इस सब्सक्राइब बटन को अपनी वीडियोस के अंदर एडजस्ट करूँगा। सिंपली आपने इसको यहाँ पर ला के रख देना है। अब जो है आपने सिंपली अपनी सबसे पहले इसको प्रीव्यू रेंडर फॉर स्मूथ प्लेबैक करते हैं। सो फाइनली हमारा प्रीव्यू हो चुका है। सिंपली आपने मैं इसको फुल स्क्रीन में कर देता हूँ, और अब सबसे पहले जो है आपको वीडियो शुरू से प्ले करके दिखाता हूँ। आपकी जो भी वीडियो होगी वो यहाँ पे प्ले हो रही है, और कुछ इस तरह से जो सब्सक्राइब बटन आपका यहाँ पे प्ले होगा। मैं दोबारा से इसको प्ले करता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे आप लोग देखें बहुत ही प्यारी एनिमेशन यहाँ पे प्ले हो रही है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये एनिमेशन लग रही है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो चली होगी, और यहाँ पे बीच के अंदर जो है कुछ इस तरह से बीच में जो है एक सब्सक्राइब बटन यहाँ पे प्ले होगा। मुझे पता है आपकी वीडियो इतनी छोटी नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टॉक फुटेज यूज़ की है, तो मेरी यहाँ पे वीडियो काफ़ी छोटी बन गई है, बाकी आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको ग्रीन स्क्रीन में सेव रखना है अपने पास। जब भी आप कोई वीडियो यहाँ पे यूज़ करेंगे, आपने सिंपली इसको भी इंपोर्ट कर लेना, और आपने इसको बिल्कुल उसके उस वीडियो को ऊपर रखना है, और यहाँ पे आपने सिंपली राइट क्लिक करके इस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देना, और उसके बाद जो है आपने इसका जो है इसकी टॉलरेंस को 100 पे कर देना, और आपकी वीडियो के अंदर ये यूज़ हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को पसंद आने के साथ में सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन इनेबल कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल से आने वाली न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे आप सब लोगों को। अब दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को यही सब्सक्राइब बटन, लेकिन थोड़ी सी अलग एनिमेशन के अंदर, थोड़ी सी और ज़्यादा खूबसूरत एनिमेशन के अंदर करना सिखाऊंगा। दोस्तों अगर आपके जहन में भी कोई क्वेश्चन है, आप कंप्यूटर टेक से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट को कवर करूँ, और आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। जैसे कि ये कमेंट आया था मेरे पास, तो इसके कमेंट के ऊपर जो है मैंने एक वीडियो बना दी है, सब्सक्राइब बटन एनिमेशन मैंने आपको सिखा दी है। अगर आप लोग कोई कमेंट करेंगे, आप लोगों का कोई आइडिया अगर मेरी समझ में आएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, और उसके बाद जो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों मिलता हूँ किसी को नई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।